दहावी आणि बारावीचा निकाल यंदा रखडण्याची शक्यता आहे. विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी पेपर तपासण्यास नकार दिलाय. राज्यातल्या 30,000 शिक्षकांचा पेपर तपासण्यास बहिष्कार त्यांनी टाकलाय. तर उत्तरपत्रिकांचे 1200 अधिक गठ्ठे तपासणी विना तसेच पडून आहेत. महत्त्वाची बातमी आहे या क्षणाची. खरं तर परीक्षा झाल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या पालकांचे डोळे अडकलेले असतात ते निकालाकडे, निकालाच्या तारखांकडे. मात्र यंदा 10वी आणि 12वीचे निकाल रखडण्याची शक्यता दिसतीये. सो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी होने की वजह से स्टूडेंट्स को लग रहा था कि जो बोर्ड का रिजल्ट है 10th एंड 12th का वो जल्दी आने वाला है, ठीक है. बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो 12th का जो रिज़ल्ट है वो 2nd week of June में आने वाला है, ठीक है. तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हर वक्त बार बार मतलब डीले पे डीले होते जा रहे हैं, ठीक है, रिज़ल्ट को लेकर. तो अभी क्या न्यूज़ निकल के आया है कि जो भी मीन्स जो मॉडरेटर होते हैं जो पेपर चेक करते हैं तो वो अभी पेपर नहीं चेक करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर 30% स्टूडेंट के जो पेपर है वो चेक नहीं होने वाले, ऐसा न्यूज़ निकल के आया है, ठीक है. तो अभी इसके पीछे का रीज़न नहीं पता चला है, खाली इतना पता चला है कि जो भी स्टूडेंट्स मीन्स जो 30% स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेपर्स हैं वो नहीं चेक होने वाले, ठीक है. तो यहाँ पर उनकी वजह से बाकियों का भी मीन्स जो है रिज़ल्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है. तो ऐसा तो है नहीं कि उनका निकाल देंगे और बाकियों का रोक के रखेंगे, ठीक है. तो साथ में अनाउंस होगा सबका रिजल्ट, तो उस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है. तो बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही बताना था कि जो पेपर है मीन्स जो रिज़ल्ट आने वाला है बोर्ड का, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, वो डिले होगा, ठीक है. तो एग्जैक्ट डेट अब तक निकल कर नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.